लगेंगे 800 तक आ सकते हैं। डबल बेड बहुत सारी चीजें हैं। चलते समय आप कपूर जो केदारनाथ की यात्रा 1 किलोमीटर रह गई है और 700 ऊपर गई है, क्योंकि मेरा जो बैग पैक है वो लगभग 25 किलोमीटर है। कैंप है, ट्रैकिंग कैंप, थंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाथ खराब है, यहाँ पे टेंट की पूरी व्यवस्था है, लेकिन जितनी ठंड बढ़ती है उतने टेंट के रेट भी बढ़ते जाते हैं। बार्गेनिंग करेंगे 800 तक आ सकते हैं डबल बेड, वैसे 1500, 2000, 2500 जैसा भी आपसे ले लें। बहुत नज़दीक आ चुके हम लोग। ये श्री केदारनाथ जी का गेट आ गया है, बस कुछ ही देर की दूरी है, उसके बाद बहुत दिनों की जो मानता थी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये है कि चलते समय आप कपूर जरूर लेके चलें, थोड़ा सा सांस लेने में राहत होता है। ये हमारे तो सांस उखड़ रहे हैं। जितने भी श्रद्धालुगढ़ हेलीकॉप्टर से आते हैं उनका लास्ट स्टॉपेज यही हेलीपैड है, जो फिर यहाँ से उनको पैदल जाना होता है और लाइन में लगना होता है। अगर वीआईपी पास है तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो लाइन में लग के ही जाना पड़ेगा इन्हें। और बहुत ही ख़तरनाक भी है, एक तरफ से लोग जा रहे हैं और एक तरफ से चढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत सीमित होता है यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरने और चढ़ने का। बस कुछ देर की टाइम बाकी है, 5 मीटर तक पहुँच जाएंगे मंदिर में और नज़ारा दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत है यहाँ। अभी हाल ही में यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो गया था, जिसमें लोग बाल बाल बचे थे। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए, क्या गजब का नज़ारा यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की सुंदरता बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही उत्तम है। यहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है, ये लाइन है। हाँ भाई, यहाँ का सीन बहुत बुरा हो रखा है, लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है पीछे। और अभी हम जा रहे हैं बाहर ही बाहर दर्शन करेंगे और वहीं पे स्टे रात में करेंगे, हम कैंपिंग अपना वहीं लगाएंगे और सुबह में जो है दर्शन करेंगे, मंदिर के पास ही रहेंगे हम। तो भी देखते हैं दूसरा प्लेस कौन सा बेहतर है घूमने के लिए वहाँ पे। अगर आपको श्री केदारनाथ जी के बाहर से दर्शन करते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, और अगर उनका पूर्ण दर्शन करने हैं, गर्भगृह का दर्शन करना है तो लाइन पीछे लगी है जो कि बहुत ही लंबी है। आपको सीधे ले चलते हैं श्री केदारनाथ जी के द्वार पे। क्या खूबसूरत दृश्य है, वाह, जिसको हमने 24 किलोमीटर यात्रा तय करके आए हैं, लगता है मानो सब कहीं खो गए हैं। यहाँ आते ही सब कुछ सारे दर्द मिट जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। जय श्री केदारनाथ। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है श्री केदारनाथ जी का मंदिर का, जैसा सोचा था जैसा जाना था उससे कहीं बढ़कर है यहाँ पे। यहाँ की सौंदर्य को देखकर तो इसका कोई जवाब ही नहीं, क्या कहें इसमें। बाकी बहुत अद्भुत जगह है, मजा आ गया। नाम है मुकेश और थोड़ा और नजदीक जाके आपको श्री केदारनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी लगी है, एक घेरा लगा हुआ है ताकि आप इसके अंदर ना जाएं, वो व्यवस्था थोड़ा सा बाधित ना हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी लगी है।
और जिनको लाइन से आना है दर्शन करने के लिए, वो दिखा रहे हैं वो लाइन कहाँ पे लगी है, वो इस क्षेत्र में है। वो देखिए जितने यहाँ पे टीन सेट लगे हुए हैं उसमें लाइन लगी है, और वो लाइन लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, तब जाके आप बस सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और उसके बाद दर्शन पा सकते हैं श्री केदारनाथ जी के। बहुत अद्भुत क्षण है यहाँ पे इसको देखना और यहाँ पे कुछ टाइम व्यतीत करना, अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक वातावरण है यहाँ पे। यहाँ पे लाइन लगभग 3 किलोमीटर बहुत लंबी लाइन लगी है, लोग रात से भी लाइन लगाए हैं यहाँ पे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।